नमस्ते, मैं मेगा न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका आज की सुर्खियां खबर। सीएम गहलोत बोले, भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। नकली देशी घी बनाने की फैक्ट्री 2000 लीटर बरामद, आगरा से दिल्ली तक बेचता था नकली घी। फेक पासपोर्ट केस में सीबीआई ने कोलकाता के 3 अधिकारियों समेत 4 को दबोचा। वेस्ट बंगाल राशन स्कीम में ईडी ने मंत्री और करीबी के 8 ठिकानों पर। विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी ने तलब किया। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। AIECC सदस्य और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत को 27 अक्टूबर को जयपुर में पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिस दिन प्रवर्तन निदेशालय ने कथित परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के परिसरों पर तलाशी ली। एजेंसी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम उल्लंघन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव को भी समन जारी की। मामला यह घटनाक्रम 25 नवंबर को राजस्थान चुनाव से 1 महीने पहले सामने आया है। भाजपा पर तीखा हमला करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस प्रमुख पर ईडी की छापेमारी और उनके बेटे को समन कांग्रेस द्वारा पार्टी के दोबारा सत्ता में आने पर रविवार परिवार की महिला मुखिया को सालाना 10,000 रुपये देने के वादे के एक दिन बाद आया है। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ कि ईडी राजस्थान में रोजाना छापेमारी कर रही है, क्योंकि भाजपा नहीं चाहती कि महिलाओं, किसानों और गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी गई गारंटी का लाभ मिले। गहलोत ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर एक पोस्ट में कहा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। 3 दिसंबर को होगी आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। वेस्ट बंगाल राशन स्कीम में ईडी ने मंत्री और करीबी के 8 ठिकानों पर दी दबिश। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। कोलकाता से स्टार अहमद के अनुसार राशन वितरण भ्रष्टाचार मामले में वन मंत्री और पूर्व खाद्य मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का नाम सामने आया है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने गुरुवार तड़के सॉल्ट लेक स्थित मंत्री के घर पर छापा मारा। ईडी सूत्रों के मुताबिक राशन भ्रष्टाचार मामले में बकी बुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद ज्योति प्रे का नाम सामने आया था। ईडी गुरुवार सुबह के सॉल्ट लेक के BC ब्लॉक के साथ साथ दो घरों BC 244 और BC 245 में तलाशी अभियान जारी चला रही है। ज्योति प्रे मलिक के घर के अलावा ईडी उनके असिस्टेंट समय अमित के नागेर बाजार स्थित फ्लैट पर भी पहुंची है। केंद्रीय जाँच एजेंसी की टीम गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे वहाँ पहुंची। ईडी नागेर बाजार स्थित दो फ्लैटों पर गई। एक फ्लैट भगवती पार्क इलाके में और दूसरा फ्लैट स्वामी विवेकानंद रोड में है। अमित दोनों फ्लैट में बारी बारी से रहते हैं, हालांकि दोनों फ्लैट पर ताला लगा हुआ है। सुबह समाचार लिखे जाने पर केंद्रीय एजेंसी फ्लैट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। ईडी के अधिकारियों ने सुबह से 8 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। ईडी इस बात की जाँच कर रही है कि क्या ज्योति प्रिय का मंत्री के करीबी व्यवसाय बाकी बुर से कोई संबंध है। राशन भ्रष्टाचार मामले में ईडी ने पिछले बुधवार सुबह से कोलकाता में बाकी बुर के
के खाली फ्लैट पर तलाशी अभियान शुरू किया। ईडी सूत्रों के मुताबिक बाकी बुर के फ्लैट से सरकारी दफ्तरों की 100 से ज्यादा मुहरें मिली। खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न सरकारी संस्थानों के 109 टिकट बरामद किए गए हैं। 53.5 घंटे की तलाशी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी पिछले शुक्रवार को बाकी पुर को लेकर उसके फ्लैट से बाहर आई। उसके बाद ईडी ने 11 घंटे की और पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ईडी बकीपुर को सोमवार को कोर्ट में पेश करेगी। केंद्रीय जांच एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक बकीपुर के बैंक खाते समेत जो दस्तावेज बरामद किए गए हैं। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि बकीपुर की विभिन्न कंपनियों में 50 करोड़ रुपये से ज़्यादा का निवेश किया गया है। बकीपुर में कई होटल रिजॉर्ट बार है, इसके अलावा कई चावल मिले भी है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज स्टेप इन हिंद कॉस्मेटिक सुपरमार्केट फर्स्ट फ्लोर असनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ ओ3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन VLCC गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। पूर्व रेलवे का आसनसोल मंडल आसनसोल और आनंद बिहार के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाएगा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल त्योहारी सीजन के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को कम करने के लिए पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने आसनसोल और आनंद बिहार स्टेशन के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की है। 03575 आसनसोल आनंद बिहार पूजा स्पेशल 27/2023 और 3/11/2023 दो ट्रिप को प्रत्येक शुक्रवार को आसनसोल से 10:15 रवाना होकर अगले दिन 8:05 आनंद बिहार पहुंचेगी और 03576 आनंद बिहार आसनसोल पूजा स्पेशल 28/2023 और 4/11/2023 को प्रत्येक शनिवार को 11:55 आनंद बिहार से प्रस्थान करेगी और फिर अगले दिन 10:20 आसनसोल पहुंचेगी। इस स्पेशल ट्रेन में साधारण दूसरी श्रेणी स्लीपर क्लास और वातानुकूलित श्रेणी के डब्बे होंगे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड असनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন কালার বার সুগার ল্যাকমি প্লাম লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। আওয়ার কন্ট্যাক্ট নাম্বার 9563400288 and 8918940868। फेक पासपोर्ट केस में CBI ने कोलकाता के 3 अधिकारियों समेत 4 को दबोचा। समाचार का यह भाग प्रायोजित है ASP द्वारा। CBI ने कोलकाता स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के 3 अधिकारियों समेत 4 को गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट कार्यालय के एक वरिष्ठ स्टेनोग्राफर को भी गिरफ्तार किया गया। यह जानकारी CBI सूत्रों से मिली। मालूम हो कि 21 अक्टूबर को पड़ोसी राज्य सिक्किम के गंगटोक में 4 लोगों के कोर्ट में पेश किया गया। गंगटोक की एक अदालत ने उन्हें 25 अक्टूबर तक CBI हिरासत में भेजने का आदेश दिया। आरोपियों में कोलकाता की डिप्टी पासपोर्ट ऑफिसर गंगटोक PSL के सीनियर सुपरिटेंडेंट भी शामिल है। CBI सूत्रों के मुताबिक 4 लोगों को पासपोर्ट फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय जांच एजेंसी CBI ने कुछ हफ्ते पहले फर्जी पासपोर्ट से जुड़ी जांच में राज्य के अलग अलग जगहों पर तलाशी ली थी। सिक्किम में भी तलाशी ली गई। दोनों राज्यों में कुल 50 स्थानों की तलाशी ली गई, जिसमें कोलकाता में रूबी एरिया पासपोर्ट कार्यालय और ब्रेबोर्न रोड पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के साथ साथ हावड़ा सिलीगुड़ी अलीपुरद्वार और गैंगटोक भी शामिल है।
जांच में कुल 24 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इनमें उन 4 लोगों के नाम भी है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार किया गया था। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक अधिकारी है, सभी कोलकाता पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत है। ये 3 अधिकारी उत्तम कुमार भैरन, निशित बरन शाह और देवाशीष भट्टाचार्य है। इनमें देवाशीष को छोड़कर बाकी दोनों हुगली के रहने वाले हैं। उत्तम का घर कोन्नन नगर में है, निशित उत्तरपाड़ा का रहने वाला है। इसके अलावा जिस वरिष्ठ स्टेनोग्राफर मनीष कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया वह भी हुगली के हिंद मोटर का रहने वाला है, कोलकाता क्षेत्र पासपोर्ट कार्यालय में कार्यरत है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। इजराइल ने हमास हमले की टिप्पणियों पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख के इस्तीफे की मांग की। समाचार का यह भाग प्रायोजित एसके इन्फोकॉम द्वारा। एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को वरिष्ठ सुरक्षा परिषद में एक भाषण में कहा कि वह 2 हफ्ते पहले इजराइल में हमास के घातक हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, लेकिन वे शून्य में नहीं हुए। इजरायली राजदूत गिलाद एर्दान ने उन पर आतंकवाद को उचित ठहराने का आरोप लगाया और उनके तत्काल इस्तीफे का आह्वान किया। बुधवार को श्री गुटेरेस ने अपने बयान की गलत बयानी को खारिज कर दिया, लेकिन श्री गर्दन ने जवाब में कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने एक बार फिर वास्तविकता को तोड़ मोड़ कर पेश किया और श्री गुटेरेस से इस्तीफा देने के लिए अपना आह्वान दोहराया। 7 अक्टूबर को लगभग 1,500 हमास बंदूकधारियों ने गाजा से दक्षिणी इसराइल में घुसपैठ की। उन्होंने कम से कम 1400 लोगों को मार डाला जिनमें से अधिकांश नागरिक थे और अन्य 222 लोगों को बंधक बना लिया। गाजा में हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि इसराइल द्वारा संभावित जमीनी हमले के लिए सैनिकों को इकट्ठा करते हुए हवाई और तोपखाने हमलों का जवाब देने के बाद से क्षेत्र में 6,500 से अधिक लोग मारे गए हैं। मंगलवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक को संबोधित करते हुए श्री गुटेरेस ने युद्ध में सभी पक्षों से नागरिकों का सम्मान करने और उनकी रक्षा करने का आग्रह किया। मैंने इसराइल में हमास द्वारा 7 अक्टूबर के भयावह और अभूतपूर्व आतंक कृत्यों की स्पष्ट रूप से निंदा की है। नागरिकों की जानबूझकर हत्या, घायल करने और अपहरण या नागरिक रक्षियों के खिलाफ रॉकेट लॉन्च करने को कुछ भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इसके बाद उन्होंने परिषद से कहा कि यह भी पहचानना महत्वपूर्ण है कि हमास द्वारा किए गए हमले अचानक नहीं हुए। उन्होंने आगे कहा, फिलिस्तीनी लोगों को 56 वर्षों से दम घोटू कब्जे का सामना करना पड़ा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. बराकर के ऐतिहासिक सदेश्वरी मंदिर का एएसआई टीम ने किया दौरा। समाचार का यह भाग प्रायोजित साइन एकेडमी द्वारा। बराकर से लाली गुप्ता के अनुसार कुलटी के भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार की पहल पर बराकर के ऐतिहासिक मंदिर श्री श्री सिद्धेश्वरी मंदिर में विकास कार्य पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। यहाँ किए जा रहे कार्य को देखने के लिए केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग की टीम ने दौरा किया। इस दौरान कुलटी के विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार भी मौजूद थे। विधायक डॉक्टर पोद्दार ने बताया कि यह कार्य मार्च तक समाप्त कर लिया जाएगा। कार्य में हो रहे दिक्कतों को दूर करने के लिए आसनसोल के मेयर तथा डीएम से बात की जाएगी ताकि कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। उल्लेखनीय है कि कुलटी के विधायक ने मंदिर के विकास को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात पत्र दिया था, जिसके बाद मंदिर के विकास के लिए पुरातत्व विभाग ने कार्य शुरू किया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग
सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन रूबिया फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। रूप नारायणपुर बिना सट्टेबाजी के डीजे पर घिरी पुलिस। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। खासकर इस वर्ष शोर शराबे पर नियंत्रण में पुलिस प्रशासन की भूमिका 100% सफल रही है। यहाँ तक कि पूजा के दिन भी नहीं, यहाँ तक कि त्याग के दिन भी कोई आवाज़ नहीं आई। बेहद शांति के इस माहौल में शब्दा सुर ना बाजार समस्ती नाम का डीजे जुड़ गया है। विसर्जन में किसी भी पूजा समिति ने डीजे के प्रयोग पर विचार नहीं किया है। पुलिस ने बार बार डीजे को लेकर पहले से चेतावनी दी थी, फिर भीड़ को नियंत्रित करने या अवांछित घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की सोची समझी पहल बहुत प्रभावी है। इससे त्यौहार प्रेमी लोग सड़कों पर स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम है। रूप नारायणपुर चितरंजन कल्याण ग्राम देशबंधु पार्क अल्लादी अक्षरा जेमारी समेत हर जगह पंचमी से लोगों को तांता लगा रहा। वहीं भीड़ पुलिस हमेशा पुलिस की निगरानी में रहती थी। आम लोग खुलकर बता रहे हैं कि त्यौहार के दौरान लोगों को हर तरह की हिंसा से मुक्त रखने के लिए पुलिस की ओर से की गई पहल पूरी तरह कारगर रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन को इस शांति के माहौल को बनाए रखने के लिए योजना के मुताबिक दिन रात काम करना पड़ रहा है। पुलिस के उच्च अधिकारियों के समन्वय के से रूप नारायणपुर OC मोइनुल हक की देखरेख में पुलिस के विभिन्न विभागों ने हर जगह नियमित निगरानी रखी। यह पता चला है कि सट्टेबाजी पर नियंत्रण के लिए पूजा समितियों के साथ कई बैठकों की गई और विक्रेताओं को पहले ही चेतावनी दी गई थी कि कोई भी अनधिकृत सट्टेबाजी नहीं बेची जा सकेगी। बार बार की बैठकों के अलावा पूजा के से एक महीने पहले एहतियात के तौर पर दूसरे राज्यों के अपराधी पूजा के दौरान इस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सके, क्योंकि झारखंड सीमा से आने वाले मार्गों पर विशेष नाका चेकिंग शुरू की गई थी। पूजा समारोह के दौरान हर समय पुलिस की निगरानी रहने से उत्को परेशानी टल गई। फिर उत्सव में आने वाले को किसी दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि पुलिस से देशबंधु पार्क डाबर मोड़ जैसी आबादी वाले क्षेत्रों में यातायात को कुशलतापूर्वक नियंत्रण किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्टूडेंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश मैथ्स आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट CK बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। लेविस्टन में सामूहिक गोलीबारी की घटना में कम से कम 22 लोग मारे गए जबकि लगभग 60 अन्य घायल हो गए। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। यह घटना बुधवार देर रात अमेरिकी स्थानीय समय अनुसार घटी। बाद में सामूहिक गोलीबारी की घटना में संदिग्ध की पहचान रॉबर्ट कार्ट के रूप में की गई, जो अमेरिकी सेना रिजर्व में एक आग्नेयास्त्र प्रशिक्षक था, जिसे हाल ही में मति भ्रम की रिपोर्ट के बाद मानसिक स्वास्थ्य सुविधा से छुट्टी दे दी गई थी। घटना के तुरंत बाद लेविस्टन ने सेंट्रल मेन मेडिकल सेंटर ने एक बयान जारी कहा कि वह बड़े पैमाने पर गोलीबारी की घटना पर प्रतिक्रिया दे रहा है और मरीजों को लेने के लिए क्षेत्र के अस्पतालों के साथ समन्वय कर रहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कोचिंग फॉर मेडिकल नेट एंड एंट्रेंस एग्जाम बाय DK लाल सर यादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता। कॉल नाउ 9832824975। What to be a doctor? Hold the hands of an expert. Regular classes 11-12. Rishi Arvind Nagar, Birla Road, Kulti, Pashchim Bardhaman, West Bengal. नकली देशी घी बनाने की फैक्ट्री 2000 लीटर बरामद। आगरा से दिल्ली तक बेचता था नकली घी। मकान से भारी मात्रा में नकली घी बरामद किया। यहां विभिन्न ब्रांड की नकली घी बनाया जा रहा है। इसे दीपावली पर मिठाई की दुकानों पर बेचने की तैयारी थी। आगरा शहर के पास इलाके में कोठी के अंदर नकली देसी घी बनाने की फैक्ट्री चल रही थी। संचालक और मौके पर नकली घी बनाने का काम कर रहे 3 कारीगरों को हिरासत में ले लिया। आरोपित अवनीश गर्ग के पास से काफी मात्रा में एक्सपायरी चॉकलेट और डुप्लीकेट सिगरेट भी बरामद हुई है। अनुमान है कि नकली घी के साथ ही सिगरेट और चॉकलेट भी बनाई जा रही थी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने बरामद माल के सैंपल लिए हैं। थाना हरि पर्वत पुलिस मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। CO STF उदय प्रताप ने बताया कि रिंग रोड पर कोठी संख्या 22C में नकली देसी घी बनाने की जानकारी पर छापा मारा गया। कोठी के पिछले हिस्से में नकली देसी घी बनाते हुए संचालक अवनीश गर्ग, टेढ़ी बगिया के रहने वाले फरदीन और मथुरा के राया निवासी
इबो को पकड़ा है। आरोपी जेमिनी नामक ब्रांड का वनस्पति और निम्न कोटि किए रिफाइंड को मिलाकर इन उसमें देसी घी की खुशबू का एसेंस और रंग मिलाकर डेयरी मिल्क नाम से नकली देसी घी के पैकेट तैयार कर रहे थे। आगरा और दिल्ली में इसकी बिक्री की जाती है थी। कोठी में भी तराजू, पैकिंग और बार कोड की मशीन लगाई हुई थी। तैयार माल रखने के लिए बेलंगंज में गोदाम बना रखा था। वहां से भारी मात्रा में खाली वनस्पति और रिफाइंड के 3 नए खाली पैकेट मिले हैं। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। सीएम गहलोत बोले, भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। जयपुर में कांग्रेस नेताओं पर ईडी की छापेमारी के बाद सीएम अशोक गहलोत के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह ईडी बना लेना चाहिए। भाजपा नहीं चाहती कि हम जनता को राहत दें। जांच एजेंसियों पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, बिना केस और शिकायत के पहुंच जाते हैं। हमारी योजनाओं से भाजपा घबरा रही है। ईडी की कार्रवाई लोकतंत्र के लिए काला दिन है। सीएम अशोक गहलोती के साथ प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंघावा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि गारंटी की घोषणा होते ही ईडी ने आज कार्रवाई कर दी है। अब अंत में समय है मूवमेंट के एसएमएस का। द पनिशमेंट विच द वाइस सफर्ड हु रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द गवर्नमेंट इज टू लिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ वॉर्समैन। सरकार में भाग लेने से इनकार करने वाले बुद्धिमानों को जो सजा भुगतनी पड़ती है वह है बदतर लोगों की सरकार की अधीन रहना। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।